कितना बिग साइज है, काफी बड़ा है। यह अटैक बहुत तेज से करता है, यह अक्सर। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है हमारे संदेश के साथ मित्र पे। अभी मेरे पास एक कॉल आया था, मैं फाइनली स्थान पर जहाँ मुझे फ़ोन किया गया था, तो उनसे भी मुलाकात करवाता हूँ जिन्होंने मुझे फ़ोन किया था। भाई सब में देखना पड़ेगा, भैया फ़ोन आप किए थे, नाम और अपना पता बताएंगे सर। इधर इधर आके बताइए सर। नाम मोदी विश्वकर्मा ग्राम खजूरा पोस्ट गुलालपुर जिला जौनपुर। हमारे घर पे निकला है, अजगर है। अजगर है, अजगर अजगर अब अजगर है, पता नहीं क्या है। अजगर यहाँ पे, यहाँ तभी दिखा। अजगर नहीं, चीतर से क्या साथ? चीतर कॉमन संड बोवा, जिसको हमारे गांवी भाषा में चीतर बोलते हैं। ये लोग अजगर समझ बैठे थे और इसको देख के काफी डर भी रहे थे। इसका मुंह इधर है, ये उसका हुआ है, ये देखा पापा लाइट है ओ सर। देखिए काफी खींच रहा, अपना ताकत लगा रहा, पूरा आ चुका है अंदर हाथ में। इसी को बहुत खतरनाक समझ रहे थे, देखिए इसलिए कह रहे ये चीतर है। ये बिना जहर वाला सर्प है, घबराइए नहीं। देखिए सर अंदर नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। तो यह भागता बहुत कम, यह बहुत सुस्त किस्म का होता है, बहुत सुस्त जीव होता है। यह जल्दी किसी को बाइट भी नहीं करता, बहुत कम ही। देखिए किस तरह समेट के बैठ गया। इसको क्या बोलते मालूम है? यह कॉमन सेंडबोवा है, कॉमन सेंडबोवा, बिन जहर वाला जीव है। इसके अंदर जहर बिल्कुल भी नहीं होता। किसी को देखिए भाई साथियों, इनके अंदर जानकारी नहीं थी, जबकि इस जमाने में लोग सांप को अच्छी तरह पहचानते, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है। फिर भी भाई साहब नहीं पहचान सके, काफ़ी डर रहे थे, कह रहे थे कि बहुत खतरनाक है। कितना बिग साइज है, काफी बड़ा है। यह अटैक बहुत तेज से करता है, यह अक्सर बारिश के मौसम में साथियों खेत के किनारे मेन रोड के किनारे होल में रहता है, बिल के अंदर। और जब भी कोई पक्षी वहां चलते चलते पहुंच जाती है तो तुरंत कैच कर लेता है, बहुत जल्दी अटैक करता है। जब पट्टा मार के पंछी को कैच कर लेता है, लपेट के बैठ जाता है, कुंडली मार के उसको निकल जाता है। या बिना जहर वाला, फिर से दोबारा बता रहा हूँ। डिब्बा थोड़ा 2 मिनट के लिए रिश्क हमारा सक्सेसफुल हुआ। नेक्स्ट मिलते हैं किसी, धन्यवाद।